हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल हीलर ऑफ द एजेस 111. कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे. फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आने वाले हफ्ते की, और बताने की कोशिश करूँगी कैसा रहेगा आपके लिए ये आने वाला हफ्ता 29 से 4th ऑफ सितंबर. तो आज की जो रीडिंग है मैं करने वाली हूँ मिथुन राशि वालों के लिए, यानी कि जेमिनी के लिए, और देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है. रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं. जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और बताते हैं कि क्या है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. थैंक यू. आपके लिए कि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है. तो यस, अगर आप किसी सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपका कनेक्शन एक और लेवल आगे बढ़ने वाला है. अगर आप रीयूनियन का वेट कर रहे हो, रीयूनियन हो सकता है. किसी पर्सन को लेकर बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, वो विश आपकी पूरी हो सकती है. कहीं ना कहीं अगर आपको इस बात की टेंशन थी कि आप जिनसे प्यार करते हो, जिनके बारे में इतना सोचते हो, जिनके प्रति इतना अट्रैक्शन फील करते हो, अगर वो पर्सन की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स या फिर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, तो यस, आंसर भी आपको मिलने वाले हैं. टू ऑफ कप्स से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है शादी का अगर वेट कर रहे हैं, घर वाले के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का अप्रूवल भी जो है उनके घर वालों से भी उनको मिल सकता है. काफ़ी ज़्यादा यू नो आपके लिए डेस्टाइन टाइम भी है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी जो है आप दोनों को मिलवाना चाहती है. अगर आप बहुत लंबे समय से एक दूसरे से मिले नहीं हो और अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आपने अगर यू नो छुपा कर रखा है, या फिर आपके मन में ऐसा है कि काश, अगर आपके मन में ये चीज़ आती है कि काश ये पर्सन समझ पाता, तो यस, ये पर्सन की फीलिंग जो है डेफिनेटली पॉजिटिव वे में आपके तरफ आएगी. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग है फ्रेंड्स. अभी मैंने बोला कि रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोग की शादी तय हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकता है. बहुत ज़्यादा डेस्टाइन टाइम है आपके लिए. पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है ये हफ्ते. अपने पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा आप यू नो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे. काफ़ी अच्छे मोमेंट्स रहेंगे आप दोनों की ज़िंदगी में. पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ दिख रहा है. अगर कोई बहुत लंबे समय से किसी काम में डिले चल रहा है, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई गैप है, प्रोफेशनल लाइफ में अगर काम में डिले चल रहा है, तो आपका कोई टफ साइकिल जो है एंड हो रहा है और आपका डिवाइन टाइमिंग जो है आ चुका है. यस, मैंने जैसे कि बोला था, हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो वो फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस. तो यस, ये पर्सन भी आपको अपनी फीलिंग बताएंगे. कहीं ना कहीं आपका रिश्ता एक लेवल और आगे बढ़ने वाला है और बहुत ज़्यादा डेस्टाइन टाइम है. इस पर्सन को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेक्शुअली भी अट्रैक्शन जो है आप फील करते हो. तो इस पर्सन से अगर आप जवाब मांग रहे थे वो आपको मिलेगा. इस पर्सन के साथ आपकी बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी. कहीं ना कहीं अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो मुझे ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए भी नज़र आ रहे हैं. कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं जेमिनी. वी हैव 10 ऑफ कप्स. तो ये कार्ड आपको ये बताना चाहती है कि यस, कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी थे अपनी लाइफ में कि मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या फिर मैं जिस पर्सन को पसंद करता हूँ पता नहीं वो पर्सन क्या करने वाले हैं, तो यस, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जुड़ सकता है, शादी तय हो सकती है, इंगेजमेंट तय हो सकता है, फैमिली से अप्रूवल मिल सकता है. तो बहुत पावरफुल वीक है. कुछ लोग अपने पर्सन के साथ बाहर भी जा सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, किसी का बर्थडे या फिर कोई सेलिब्रेशन है जहाँ पर आप दोनों शामिल होने वाले हैं. तो बहुत 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 एक्साइटिंग वीक है आपके लिए. वाव, जजमेंट, तो इतने बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं यूनिवर्स की तरफ से, और क्या ही चाहिए आपको जगनाएं. तो यस, अगर किसी पर्सन या फिर किसी प्रॉब्लम को लेकर अगर आप यू नो जगल कर रहे थे, किसी प्रॉब्लम में थे, तो यूनिवर्स आपसे इतना ही कहना चाहती है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जो है सब तैयार है. यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं
प्रोटेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को जो है समझ रही है, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो भेज रही है जिसकी आपको बहुत लंबे समय से तमन्ना थी कि काश मेरा ये काम हो जाता तो मुझे अच्छा लगता, काश ये हो जाता तो अच्छा होता। तो यस, यूनिवर्स ने आपकी जो आप जो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो बात यूनिवर्स ने सुन ली है, यूनिवर्स ने आपकी बात को समझ लिया है, आपका कॉल यूनिवर्स ने रिसीव कर लिया है, और जो आपके हित में सबसे अच्छा है वो आपको मिलने वाला है। प्यार भरा हफ्ता है, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है, आपके डेस्टाइन पार्टनर आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिल सकते हैं, उनके साथ हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या फिर अगर ये आपका पहला प्यार है, अगर आप या फिर आप सिंगल हो और किसी परफेक्ट पर्सन का वेट कर रहे थे, तो यही है वो। और काफ़ी लोगों के इसी पर्सन के साथ जो है शादी भी हो सकती है। सो सुपर डुपर एनर्जी फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। होली लव, यस, यूनिवर्स भी कह रही है कि ढेर सारा प्यार है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ट्रस्ट द यूनिवर्स, मैं तब से कह रही थी फ्रेंड्स कि ट्रस्ट इट, आपका डिवाइन टाइम आया है, तो यस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, कट द कॉर्ड्स। तो यस, अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर पास्ट की चीज़ें हैं जिसको आप पकड़ कर बैठे हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं टेंशन में हो, तो यूनिवर्स कह रही है उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, सॉल्यूशन आपके पास ही है, सॉल्यूशन आपके बहुत करीबी है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पास्ट के प्रॉब्लम्स है या फिर पास्ट का कोई भी इशू है, उससे अगर आप बाहर निकलते हैं तो ये जो भी ऑब्स्टेकल है ये आपके लाइफ से चले जाएंगे। और बहुत ही डेस्टाइन टाइम है, मेजर आर्काना का कार्ड आया है, यानी कि आपको आपके कर्म का फल मिलने वाला है। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है फ्रेंड्स। बहुत पावरफुल वीक है, स्टे ब्लेस्ड, ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर।